कहते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो ज्यादातर नेचुरल एक्टिंग करते हैं, तो वो मूवी में भी नेचुरल करते हैं, तो क्या ये सही है? एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। पहली बात तो यह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी नेचुरल एक्टिंग नहीं करते, वो बहुत स्टाइलाइज्ड एक्टिंग करते हैं, बहुत स्टाइलिश है। आपको, आप उनके फैन ही नहीं होते अगर वो स्टाइल एक्टिंग नहीं करते। ये क्या है, बनाया गया कि जिसकी नॉर्मल शक्ल है वो नॉर्मल एक्टिंग करता है, ये परसेप्शन है। इरफान खान नॉर्मल एक्टिंग, अरे क्यों भाई, गजब का स्टाइल है इरफान खान का, गजब का स्टाइल है, आंखों से खेल जाता बंदा, है ना। कोई ना, मैंने एक बार पंकज त्रिपाठी से पूछा कि पंकज भाई सब कहते हैं कि आप बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते हैं, बोले यार समझ में नहीं आता साला, मैं तो करता तो एक्टिंग ही हूं, ये नेचुरल एक्टिंग क्या होती है। बोले 20 साल लगाए मैंने, तपस्या करी, मेहनत करी, एक्टिंग सीखी, और अब मैं एक्टिंग कर रहा हूं, ये साले बोलते हैं नेचुरल एक्टिंग है, तो साला मैं 20 साल से स्टेज ही करा रहा था, समझ पा रहे हो। बोले मैं तो एक्टिंग ही करता हूं, कॉन्शियसली मैं जानता हूं मैं एक्टिंग कर रहा हूं, नेचुरल कैसे। पंकज त्रिपाठी में भी एक स्टाइल है, लेकिन आप पंकज त्रिपाठी नवाजुद्दीन की वेब सीरीज की एक्टिंग देखना, आपको फर्क समझ में आ जाएगा, और फिल्मों की एक्टिंग देखना, फर्क समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल डिफरेंस समझ में आएगा। ये लोग बहुत कलाकार लोग हैं, ये फर्क जानते हैं हम में किस ऑडियंस के पास हूं। मनोज वाजपेयी को देख लेना, मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज देखो, अलग है ना। और आप देखोगे गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें स्टाइल है, क्योंकि एक्टर जो अच्छे एक्टर होते हैं वो जानते हैं कि ये मैं किस मीडियम के लिए कर रहा हूं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अमिताभ बच्चन को मालूम है मैं ऐड कर रहा हूं, तो कैसे बोलना ठंडा ठंडा कुल कुल, उसको मालूम है। फिल्मों में नहीं बोलूंगा मैं ऐसा, एड फिल्म में अलग बोलूंगा। अभी आप एड फिल्म की बात कर रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी आप बताएंगे आने वाले टॉपिक्स में कि उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके भी ऑडिशंस ही होते हैं, सेम वही फॉर्मेट है, कास्टिंग डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर फॉर्मेट इज सेम। सर एड फिल्म के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं गुड़गांव रहता हूँ, तो वो मेरे लिए शुरू करना ज्यादा आसान है क्योंकि बड़े असाइनमेंट्स, राइट, तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो थोड़ा डिटेल में। हाँ ये सच है कि कुछ कोऑर्डिनेटर कास्टिंगटर सिर्फ और सिर्फ एड फिल्म ही करते हैं, प्रोसीजर सेम है, ऑडिशन उसके भी होंगे। अब इसमें एक बात हम हमेशा ध्यान रखें कि बस जब मीडियम है वो पता करें, ज्यादातर एक्टर मीडियम पता नहीं करते, वो बस चले जाते हैं, काय का ऐड है, एड फिल्म का ऐड है, एक्टिंग सेम ही करके आ जाते हैं। वहां पे कुछ अलग चाहिए, वेब सीरीज में कुछ अलग चाहिए। कोई भी बंदा या आप भी एज ए बायर वही खरीदते हो ना जो आप खरीदना चाहते हो, कुछ और तो नहीं खरीद लेते। तो मैं बायर हूं, मतलब मैं डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर हूं, मेरे को एड फिल्म वाला प्रोडक्ट चाहिए, आप एक्टिंग कर रहे हो फिल्म वाली, मैं आपको क्यों लूंगा, मैं तो वही लूंगा ना जैसा प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगेगा, जो मेरे मतलब का है ना। इसलिए आप देखिए कुछ एक्टर हर मीडियम में काम करते हैं और कुछ एक्टर बस इंतजार करते हैं। आज पंकज त्रिपाठी एड भी कर रहा है, आप उसकी एड फिल्म में देखिए, उसमें ओवर एक्सप्रेसिव है, जस्ट उड़ान बोलता क्या, कौन सी एक ऐप है, ये पूरा क्या है, ओवर एक्सप्रेसिव है। उसमें क्या होता है, लाइंस बहुत नहीं होती, जैसे मान लीजिए मुझे दिखाना है कि वाह ताज, तो बस मैं चाय का कप लूंगा, ऐसे लेना है मुझे, बस इतना हो गया। वो एक्सप्रेशन मेरे कैसे हैं वही काउंट होंगे। और एड फिल्म जरूर करिएगा, एड फिल्म में हम लोग नॉर्मली क्यों सोचते हैं मेरी शक्लो सूरत सामान्य है तो मैं नहीं आऊंगा, नहीं, जैसे मैंने बोला मन में लड्डू फूटा, उसमें नॉर्मल लड़का है, रमेश सुरेश कोई बहुत हैंडसम नहीं है, आज 3 साल से ब्रांड एम्बेसडर बने बैठे 5 स्टार के, क्या करते वो, चॉकलेट खाई चालू, ऐसे कोई 5 स्टार नहीं खाता, लेकिन वो खाते हैं इसलिए तो है, वाली लड़की भी है। हाँ बहुत सारे तो आपको बस ये समझना है कि मुझे ओवर एक्सप्रेसिव करना है, ठीक है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है।
स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, Joint Films वेबसाइट पर अवेलेबल है। I can, I will join.